लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए? कनकेव के लिए। कनकेव में ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक रे कहाँ जाएगी? बिल्कुल सीधी, एक रे यहाँ पे हिट करेगी, इसका सेंटर लेफ्ट पे है, ये रहा लेफ्ट पे है, तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से। रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अगर ये सरफेस ना होती तो इमेज को कहाँ बनना था? आई वन पे। यानी कि पहली सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट है, आई वन उसकी इमेज है, पर ऐसा हुआ नहीं। सेकेंड सरफेस ने क्या किया? सेकेंड सरफेस का सेंटर राइट है, इसका नॉर्मल राइट है, तो डेंसर टू रेयर लाइट जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल कर दिया, इस लाइट फाइनली लाइट यहाँ चली गई, और जब आप बैक मिलाएंगे तो फाइनल इमेज कहाँ पर मिलेगी? आई पे। तो पहली सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई वन इमेज है, दूसरी सरफेस के लिए आई वन ऑब्जेक्ट है और आई इमेज है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? सेम चीज़ है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस डायग्राम में फ़र्क है। पहले के लिए और दूसरे के लिए कैसे करना है समझ में आ रहा है? इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लो आपके पास एक कनकेव लेंस है, ये रहा ये कनकेव लेंस है, ये रहा, आप इसमें ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा प्लीज दूर रखें, मैंने बताया था, तो ये आपका ऑब्जेक्ट रख लें, तो ऑब्जेक्ट और नीचे हिट करवाएं, बहुत ऊपर ना करवाएं, ये लो हिट हुआ। इसका जो नॉर्मल बनने वाला है, मैंने क्या बताया? इसका जो नॉर्मल है वो, इसका जो नॉर्मल है वो कैसे बनेगा? यहाँ कहीं बनेगा। अब रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? एट पॉइंट आई डैश। बन गई इमेज? ठीक, यहाँ बननी चाहिए थी, पर क्योंकि ये भी प्रेजेंट है, इसका जो नॉर्मल है वो यहाँ कहीं मिलेगा आपको, इसका सेंटर राइट है, इसके अंदर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, थोड़ा अवे हो जाएगी, और अवे के चक्कर में फाइनल इमेज पीछे की तरफ कहाँ बनेगी? यहाँ बन जाएगी ऐसे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो पहली सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट ओ है और इमेज आई वन है, सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट आई वन है और इमेज आई है, राइट? मैथमेटिकल पोर्शन में तो कुछ चेंज ही नहीं है, एक पैसे का भी चेंज नहीं है। पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यू है, इमेज वी वन है, और रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, वही कन्वेक्स वाला सेम फॉर्मूला। दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट वी वन है और इमेज वी है, दूसरी सरफेस का डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला, इसको घुमा दो माइनस आर हो गया, वन एंड टू को ऐड कर दो, ये टर्म आ गई, म्यू वन कॉमन निकाल के नीचे ले आओ, सेम स्टेप और सेम फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला कन्वेक्स और कनकेव का एग्जैक्टली सेम है, कॉपी लेके डायग्राम ट्राई कर लो।